हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लेम के बारे में। अमेज़ॉन पे जनरली इशू रहता है कि क्लेम कर दिया कस्टमर ने और उससे रेटिंग डाउन हो गई, और जो मैट्रिक्स है वो भी उससे अफेक्टेड हुई है, तो उससे हम कैसे बचें। अब मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। देखिए, मेरे पास भी बहुत क्लेम आते हैं, ये दिखाता हूँ मैं। देखिए, ये है फरवरी के क्लेम, और इसी तरीके से यहाँ ये करीब हैं मेरे 14 और 20, अराउंड 20 के अराउंड ये हैं फरवरी, और जुलाई से मेरे हैं क्लेम ये 16 क्लेम है जुलाई में, और अभी अगस्त में भी फर्स्ट क्लेम आ चुका है। तो इन क्लेम से हम कैसे बचें, इतने क्लेम आए हैं। अभी तक तो मेरा अकाउंट सस्पेंड हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। अब मैं कुछ टिप्स आपको बताता हूँ। अभी मैं आपको अपना डिफेक्ट रेट भी दिखा देता हूँ, मेरा कितना बाउंड्री लाइन पे चल रहा है, 1.1% से बचा हुआ है। वो देखिए, ये देखिए, ये क्लेम है, और देखिए 0.99% है डिफेक्ट रेट, 1% से कम होना चाहिए, बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे हूँ मैं। हालांकि मेरा ये जो है प्रोसेस रेगुलर बेसिस पे रहती है, लेकिन तब भी देखिए क्लेम ज़्यादा आते हैं मेरे, क्योंकि होता क्या है कि पार्सल लॉस्ट हो गया कस्टमर से, और कस्टमर को सॉरी रिसीव नहीं हुआ, या कोरियर वाले ने किसी और बराबर में उसके फ्रेंड वगैरह रिलेटिव्स को दे दिया, तो तब पार्सल नहीं मिलता, ये वजह रहती है। तो ये सब तो होता रहता है, लेकिन इनसे बचे कैसे, बात हम उस पर करते हैं। देख, तो अब मैं आपको 3 टिप्स आपको बताता हूँ कि हम क्लेम से कैसे अपने आप को बचाएं। देखिए, सबसे पहला ये है कि कभी भी कस्टमर का कोई रिगार्डलेस कोई भी हो, कि आपका उसका स्टफ़ नहीं मिला, उसे क्वालिटी में शिकायत है, जो भी है, आप उसको उसी वक्त कॉल करिए। उससे होगा ये कि कस्टमर को लगेगा कि हाँ, किसी ने मुझे कॉल किया है, मुझे मेरी जो भी परेशानी है उसको समझा है, सुना है, तो कस्टमर कूल डाउन हो जाएगा। सेकंड है कि कस्टमर से आप मेल करें तो कस्टमर को आपको तुरंत जवाब देना है, तुरंत से मतलब 24 आवर्स रहते हैं। अब ये नहीं कि अगर भी उनने 5 मिनट पहले मेल करा, आपने तुरंत उसे मेल कर दिया, मतलब विद इन 24 आवर्स आप उसको रिप्लाई कर दीजिए कि ऐसा ऐसा इशू है और ये रिजॉल्व हो जाएगा। उससे यह है उसके उस मेल पे इसलिए है क्योंकि अमेज़ॉन का वैलिड वैलिड जो है प्रूफ जो जो मानते हैं अमेज़ॉन, वो मेल्स को मानते हैं, वो फ़ोन पे नहीं मानते हैं। आप कस्टमर से आपने फ़ोन पे क्या बात करी वो वैलिड नहीं है अमेज़ॉन के लिए, मेल पे क्या बात करी वो वैलिड है। थर्ड है इसमें कि अगर कोरियर की वजह से प्रोडक्ट आपका फंस गया है कहीं, मींस अगर कोरियर ने वो डिलीवर्ड करने गया कस्टमर को, लेकिन कस्टमर का मतलब होम क्लोज था, अब हाउस क्लोज था, तो उसने जो है पैकेट अपने पास रख लिया और अपडेट करना भूल गया या डिलीवर कराना भूल गया, तो आप कस्टमर ने क्लेम रेज कर दिया, तो आप अमेज़ॉन से बात करिए कि सर ये इशू है, मुझे कोरियर ने 4 दिन का समय मांगा है, 5 दिन का समय मांगा है पैकेट अपडेट करने के लिए। तो फर्दर अमेज़ॉन आपका क्लेम की डेट आगे दे देता है कि चलो कोई नहीं, 3 नहीं 5 दिन आप ले लो। तो इस तरीके से हम बच सकते हैं। ओवरऑल मेरा तो यही रहता है, अभी ये 900 समथिंग ऑर्डर्स थे उस पर ये क्लेम रहता है, यानी कि 100 ऑर्डर्स पे 1 क्लेम ज़रूर आता है।